शिक्षा नीति आखिरकार बदल गई, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर स्टडीज तक भारी फेर बदल किए गए, क्या क्या बदलाव और इसका असर कैसे देश के बच्चों से लेकर बड़ों तक की पढ़ाई पर पड़ेगा, आपको समझ आ जाएगी। रफाल के बाद अब हम नई शिक्षा नीति की बात करेंगे। कहते हैं जब किसी देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए और आज इसकी शुरुआत हो गई है। हेलो गाइस, मैं हर्ष शर्मा और आप सुन रहे हैं क्या बोलो यार पॉडकास्ट। सो गाइस, जो आज का मेरा पॉडकास्ट है वो एक लेटेस्ट न्यूज के ऊपर है और वो है न्यू एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। सो गाइस, जो अभी हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही बड़ा बदलाव करा है और ये बदलाव जो पिछला जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उससे बहुत ही अच्छा है और उससे पूरा ही चेंज है, लगभग पूरा चेंज है। सो गाइस, ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेस्ड है 3+3+4 के बेस पे, जिसमें जो पहला 5 है वो पहला 3 ईयर प्राइमरी एजुकेशन को दिया जाएगा, जैसे कि प्री स्कूल, नर्सरी, यूकेजी, इन सब के लिए 3 साल दिए जाएंगे। और जो फर्स्ट क्लास है वो 1 साल का होगा, सेकंड क्लास है वो भी 1 साल का होता है जैसा कि अभी तक होता था। पर इसमें मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहले की जो पढ़ाई थी वो बुक वाली पढ़ाई ज़्यादा होती थी, पर इसमें जो अब जो नया बदलाव आया उसमें ये होगा कि बच्चों को खेल के रूप में ज़्यादा सिखाया जाएगा, बल्कि इसके बजाय कि वो बुक वाली स्टडी करें। और जो उसके बाद आता है वो 6th से लेके जो 8th क्लास है उसमें अब एक बहुत ही बड़ा बदलाव करा गया है पहले के मुकाबले, और वो ये है कि बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो उस फील्ड में इंटर्नशिप कर सकता है, जो कि हमने आज तक सिर्फ यही सुना था कि कॉलेज में इंटर्नशिप होती है, स्कूल में इंटर्नशिप आज तक किसी ने नहीं करी होगी। पर इस बार गवर्नमेंट ने ये रूल कर दिया है कि अगर बच्चे का पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो वो किसी पेंटर के पास जाकर इंटर्नशिप कर सकता है, या किसी बच्चे का कंप्यूटर में लगा हुआ है या किसी सॉफ्टवेयर में उसका इंटरेस्ट है तो वो उस फील्ड की कंपनी के पास जाकर अपना इंटर्नशिप कर सकता है, उसके घर वाले उसको इंटर्नशिप पर भेज सकते हैं। और जो नेक्स्ट आता है वो 9th से लेके 12th तक, और उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो अब जो रिज़ल्ट बन के आएंगे वो सिर्फ स्कूल के टीचर ही नहीं बनाएगी, अब वो उसमें बच्चों का भी योगदान रहेगा, वो उस रिज़ल्ट में ये भी लिख सकता है कि वो किस फील्ड में बीक रहा, किस फील्ड में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट था, और फिर टीचर तो उसके मार्क्स लिखेंगे। और शायद इसमें एक पेरेंट्स का भी ऑप्शन आएगा, अभी सरकार ने ये कंफर्म नहीं करा है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो पहले साइंस, आर्ट, कॉमर्स जो स्ट्रीम होती थी उसमें साइंस वाला आर्ट की स्टडी नहीं कर सकता और आर्ट वाला कॉमर्स की नहीं कर सकता और कॉमर्स वाला साइंस की नहीं कर सकता, पर इसमें अब ये निकल कर आया है नया रूल कि अगर कॉमर्स वाले का फिजिक्स में इंटरेस्ट है, किसी एक या दो या तीन सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है, तो साथ में वो कॉमर्स के साथ में वो सब्जेक्ट भी ले सकता है। सो गाइस, ये भी एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। और जो बोर्ड के जो पेपर होते हैं उसमें ये होता था कि इंग्लिश के पेपर में आप सिर्फ इंग्लिश में ही आंसर लिख के आओगे, बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है और आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो आप सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर लिखोगे, जो कि अब ऐसा नहीं है। अब बच्चा जिस में अपना कंफर्टेबल मानता हो, जिस लैंग्वेज में कि मुझे ये आंसर इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा, या हिंदी में मेरे को ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है तो मैं हिंदी में लिखूंगा, तो ये रूल ऑफ गवर्नमेंट ने कर दिया, वो उसकी मर्जी है वो हिंदी में लिखे या इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में वो बोर्ड का पेपर अब लिख सकता है। और जो मैंने बताया था जो पहले जो 5th स्टेज के जो बच्चे हैं 5 साल के, उनमें अब ये चीज़ और ला दिया गया है कि वो अपने मूल भाषा में भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि पहले इंग्लिश मीडियम के स्कूल में मैथ या जो भी कुछ है वो इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है, अब उनके मूल भाषा में पढ़ाई जाएगी, जैसे कि अगर वो मराठी और वो मराठी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो वो उसमें पढ़ सकते हैं। सो गाइस, और कॉलेज वालों के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने नया रूल ये बनाया है कि अगर आपका कोर्स 1 ईयर का है तो आपको उसमें सिर्फ सर्टिफिकेट ही दिया जाएगा, और अगर आपका कोर्स 2 ईयर का है तो आपको डिप्लोमा मिलेगी, और अगर आपका कोर्स 3 ईयर का है या 4 ईयर का है तो आपको डिग्री मिलेगी। सो गाइस, एक नया रूल ये है कि 1st ईयर वालों के लिए सर्टिफिकेट, देन 2nd के लिए डिप्लोमा एंड 3rd-4th के लिए
डिग्री दी जाएगी। सो गाइज अभी तो यही नया सिस्टम बन गया है और ये पहले से बहुत ही काफ़ी बेहतर है। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट। क्या बोलो यार।